तो ये अंशेश वाला का मिनी किचन है। यहाँ पे मैं अपना फोन कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं किस तरीके पढ़ाता हूँ, ये चीजें आती हैं और इसमें मेरा लिख जाता है। इंडिया का मैप लगाया, उसके बाद ये ग्रीन ग्रीन क्या है, इसको बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन। वो मैं ऐसे लिखता रहूंगा, फिर मैं उधर देखता रहूंगा सामने, ठीक है, बात समझ रहा, इस तरीके से चीजें होती हैं। हेलो 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 यार, कैसे हो आप सब, कैसे हो, आई होप आप सभी जहाँ कभी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और हाँ सुनो सुनो सुनो, वो तीन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ, फैमिली, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्टडीज। आई होप आप इन तीनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, गुड, रखना भी ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली भी है, ऐसा इस वीडियो में क्या है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी तक मैंने आप के साथ कभी भी अपना जो रूम है वो शेयर नहीं किया है, मतलब रूम में शेयर करने का मतलब वो नहीं शेयर, आ जाओ भाई सो जाओ, आ गए आप मस्ती से, ये नहीं वो नहीं, मतलब कि मेरा रूम का सेटअप कैसा है, कि मैं चीज़ें अपनी मेरी कहाँ पे रखी हुई हैं, मैं कैसे क्या काम करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस रूम में मैं अपने हॉस्टल में यहाँ खुद अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद खाना पीना मैं यहाँ पे अपना खुद बना रहा हूँ। यहाँ पे उपलब्ध है मतलब जो सेवा है वो उपलब्ध है, आप जा भी सकते हैं बाहर खाने, मैं जाता भी हूँ, लेकिन जब मुझे नहीं खाना होता वहाँ तो मैं अपना खुद, मैंने अपने सिस्टम रखा हुआ है कि मैं यहाँ पे खुद अपना बना लूँ। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा, मेरा छोटा सा मिनी सा किचन है वो कहाँ पे है, कैसे चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद में मेरा टीचिंग वाली जो चीज़ें हैं, मेरा सेटअप कैसा है, कि मैं कैसे क्लासेस लेता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा, और हर एक चीज़ आपको वेल अच्छी तरीके से दिखेगी। सो वीडियो में पूरा बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा अपना किचन, ओके चलिए। ये अंशेश वाला का किचन में आप प्रवेश करते हुए, ये सबसे पहले मैंने आपको टमाटर से दर्शन कराए, उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपको यहाँ पे मेरा सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर के पास में क्या रखा है, ये आटा, और उसके ऊपर एक बास्केट रखी, बास्केट में आपको देखिए ये देखिए आलू रखे हुए हैं, दिख रहा है आलू है और मिर्च वगैरह रखी, सब्जी वगैरह, और ये इधर क्या रखा है, इधर क्या रखा है, इधर रखा है चावल तेल वगैरह 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 सामग्री रखी हुई, और इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर सिलेंडर के बाद जो गैस आती है वो रखी हुई है। तो ये अंशेश वाला का मिनी किचन है, आपने पूरा दर्शन कर लिया किचन का, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की। तो देखिए हम लोगों ने किचन का तो अपना पूरा भ्रमण कर लिया, अब मैं आपको अपना पूरा रूम दिखाऊंगा धीरे धीरे से। ये मेरा बैग टंगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो तार आया वो किस चीज़ का तार आया हुआ, आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, ये जो मेरा वायर आया हुआ, ये मेरा वायर आया हुआ है जियो वाईफाई, ठीक है, मैंने ब्रॉडबैंड अपना रूम में लगवा रखा है, क्योंकि क्लासेस वगैरह होती तो डेटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने लगवा रखा है। और यहाँ पे मेरा ये स्विच वगैरह इस चीज़ का है, ग्लास रखा हुआ है मेरा, ये वाटर कूलर है, और वाटर कूलर के लिए मेरे पास ये कैन आती है, मैं यहाँ पर कैन लेता हूँ पानी के लिए। केट के पास में मेरे शूज़ रखे हुए हैं, और शूज़ के पास में मेरा साबुन वगैरह रखा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा वर्ल्ड मैप लगा हुआ है रूम में ही, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मेरे देखिए कपड़े टंगे हुए हैं रूम में, ठीक है, कपड़ों के नीचे जब आएंगे यहाँ पे मेरा बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, रजिस्टर हैं, बुक्स हैं, ठीक है, और ये जो नीचे रखा है, ये रखा है इसी का सेटअप बॉक्स वाला डब्बा रखा हुआ है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मेरे रूम में ये कि बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत यूज़ है। यूज़ किस प्रकार है देखिए मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड होता है इसके काफ़ी यूजेस हैं, पहली बात तो मेरे लिए यूज़ होता है क्लासेस वगैरह लेने के लिए, ठीक है, दूसरी चीज़ मेरा शेड्यूल वगैरह मैं इस पर लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे सामने मेरी चीज़ें पढ़ती रहें, उसके लिए है, और कुछ भी जो इम्पोर्टेंट पढ़ता है उसको तुरंत मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये उस लिए काफ़ी। देखिए मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया, बोर्ड के बाद में ये देखिए मेरा लगा है इंडिया का मैप लगा है, उसके बाद ये ग्रीन ग्रीन क्या है, इसको बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन। ये भैया ग्रीन स्क्रीन आपने क्यों लगा रखी है, देखिए ग्रीन स्क्रीन मैंने इसलिए लगा रखी है ताकि मुझे जब बैकग्राउंड अपना रिमूव करना होता किसी भी वीडियो का तो मैं इस ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से ही करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो पढ़ाने वाला जो सिस्टम है, क्लासेस वाला है, खुद पढ़ने वाला है, वो मेरा कैसे रहता है, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए अब हम लोग अपनी टेबल पे आ चुके हैं, ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे अपना प्यारा सा चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रही होगी ये मेरी बोलेगी पेन टैब, पेन टैब किस लिए है, पेन टैब है क्लासेस वगैरह लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा है, इससे मैं अपना आपसे पढ़ाता हूँ, ये चीज़ें आती हैं और इसमें मेरा लिख जाता है, ठीक है, ये मेरी क्लासेस लेने के लिए। ये मेरा माउस रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है मेरा माउस रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिख रही होगी मेरी प्यारी सी छोटी सी, ये मुझे गिफ्ट की थी मेरे जीजू ने, वो मेरे वॉच रखी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट रखा हुआ है और एक मिल्क बिस्किट रखा हुआ है, ये मेरा पेन वगैरह इसमें रखे हुए हैं, ये इंक रखी है, ठीक है, बोर्ड पे लिखने, इस पे बोर्ड पे लिखने के लिए।
और टेप वगैरह रखा हुआ है, कीबोर्ड है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, जब मेरे क्लास टेंथ में बोर्ड में 94 मार्क्स आए थे मैथ में, तो सर ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था, ठीक है, नितिन सर ने दिया था। और ये सारी चीज़ें मेरी हैं, आपको दिख रही होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं किस तरीके से लेता हूँ क्लास, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, तो देखिए मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया है वहाँ पे, जो मेरा जो ट्राईपॉड मैंने आपको दिखाया था, मैंने वहाँ पे फ़ोन ही सेट कर दिया है। अब मेरे पास हर चीज़ है, जैसे कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा वो मैं ऐसे लिखता रहूँगा, फिर मैं उधर देखता रहूँगा सामने, ठीक है, बात समझ रहे, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा रहता है चीज़ें। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। मेरा इस समय ग्रेजुएशन में थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, अब मैं फोर्थ सेमेस्टर में गया हूँ, अब मेरा फोर्थ सेमेस्टर की चल रहा है और उसकी एग्ज़ाम भी मेरे अगस्त में है, मतलब अगस्त नहीं, अगस्त से पहले जुलाई में होंगे, जुलाई में हो जाएंगे, और अगस्त में मेरा नया सेमेस्टर चलूगा, फिफ्थ सेमेस्टर चालू हो जाएगा। सो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है, आपको मैंने हर चीज़ दिखाई, तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।